गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट पार्ट टू। जिन बच्चों ने पार्ट वन ना देखा हो, पहले पार्ट वन देखिए, बहुत छोटा सा लेक्चर है 10 मिनट्स का। उसके बाद ये पार्ट सेकेंड देखिएगा आप लोग। पार्ट सेकेंड फॉर क्लास सीबीएसई आईसीएसई एनटीएससी क्लास 10th के लिए ये लेक्चर है। ओके बच्चों, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हम लोग सॉल्ट का नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, मतलब नाम कैसे रखा जाता है सॉल्ट का। तो देखिए मैंने पहले से लिख दिया है कि टाइम बचे। देखो अब फर्स्ट केस क्या है, नाम लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट क्या बच्चों, इन केस ऑफ हाइड्रा एसिड। देखो हाइड्रा एसिड का मतलब क्या होता है, हाइड्रा एसिड बेटे उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। और ऑक्सी एसिड किसे बोलते हैं, दो केसेस होते हैं इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड, जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रा एसिड का क्या होगा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल HCl। ओके HBr HF, यानी जिसमें टू पार्ट्स होते हैं। जो हाइड्रा एसिड होते हैं उसमें दो पार्ट होता है, स्टार्टिंग में H, उसके बाद कोई नॉन मेटल H, फिर कोई नॉन मेटल H, फिर कोई नॉन मेटल, इस तरह HI भी हो जाएगा। ओके बच्चों, हाइड्रा एसिड को बच्चों हम लोग बाइनरी एसिड भी बोलते हैं। बाइनरी का मतलब होता है जिसमें दो पार्ट हो। हाइड्रा एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी एसिड। कितने पार्ट इसमें देखिए, टू पार्ट्स हैं, H+Cl-, इसमें भी देखिए टू पार्ट्स हैं, H+Br-, इसमें भी टू पार्ट्स हैं, H+F-। देखो ना जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। एक चीज मैं आपको ट्रिक बता देता हूं याद करने का, देखो याद कर लो, फिर कल बाहर आई आंटी, क्या हो गया बच्चों, फिर कल बाहर आई आंटी, इन सब पे -1 चार्ज होता है, और इतने ही है जिस पे -1 होता है, बस इतना ही आपको 5 याद रखना है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ये 1 नेगेटिव वाले, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यानी इस पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है। F फॉर फ्लोरिन, Cl फॉर क्लोरिन, Br फॉर ब्रोमिन, I फॉर आयोडीन, At फॉर एसिटीन। ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रा एसिड। देखो बेटा इनका नाम हमेशा लास्ट में आइड आता है। ओके, जो भी हाइड्रा एसिड से सॉल्ट बनेगा उसमें क्या आएगा, हमेशा लास्ट में आइड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे HCl से आपको सॉल्ट बनाना है। देखो सॉल्ट बनाना बहुत ही आसान होता है, ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा रिएक्शन लिखो तब जाके सॉल्ट बनेगा। आप सिंपल ट्रिक से ही बता सकते हैं कैसे बच्चों, H को रिप्लेस कर दो, H की जगह हटा के कोई मेटल को जोड़ दो। मेटल का मतलब Na+, K+, है ना, मतलब बेसिक रेडिकल। जितने पॉजिटिव आयंस होते हैं उसे हम लोग बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं, और जितने नेगेटिव होते हैं उसे एसिडिक रेडिकल। जैसे इसमें देखो ये क्या है, बेसिक रेडिकल, और ये Cl बच्चों क्या है, एसिडिक रेडिकल्स। ये सब क्या है, एसिडिक रेडिकल्स। ओके, तो रेडिकल का मतलब होता है चार्ज वाले, मतलब पॉजिटिव हो या निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो बेसिक रेडिकल, निगेटिव होगा तो एसिडिक रेडिकल। ओके बच्चों, प्लस वाले को बेसिक। इस तरह जो मेटल होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लस चार्ज वाले होते हैं, मतलब बेसिक रेडिकल। तो एच को हटा के आप कोई बेसिक रेडिकल जोड़ दीजिए, मतलब कोई भी मेटल जोड़ दीजिए। जैसे मान लो हमने इस एच को हटा दिया, यहां बच्चों ऐड कर दिया Na, कौन सा चार्ज होता है, प्लस, और Cl पर कौन सा चार्ज है, -1। देखो -1, अब क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसल, क्या बन गया बच्चों, NaCl, ये दोनों कैंसल हो गए, क्या बन गया, NaCl। तो ऐसे सॉल्ट का जो नेम होता है उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, आइड आएगा, IDE। तो इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नेम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, क्लो
राइड में से क्या आएगा बच्चों, आई डी ई। तो याद रखिएगा जब भी आप हाइड्रा एसिड से कोई भी सॉल्ट बनाएंगे तो उसमें हमेशा लास्ट में क्या आएगा, आइड आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब जो लास्ट में आए। ओके, तो सफिक्स क्या होगा बच्चों, एंड विथ का मतलब होता है सफिक्स, तो उसका नाम हमेशा आइड से खत्म होगा, यानी कि लास्ट में ये वर्ड आएगा आइड। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो इसका तो बन गया, एच हटाया, क्या ऐड कर दिया, सॉरी एन, NaCl, इसका एच टाइप क्या ऐड कर दीजिए, NaBr हो जाएगा, इसमें टाइप क्या कर दो बच्चों, NaF हो जाएगा, यानी कि HCl से कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaCl, इससे क्या बना, सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा बच्चों, सोडियम फ्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। जरा ध्यान से देखिए सबके लास्ट में आइड आइड वर्ड आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है, देखिए आई डी ई आई डी ई आई डी ई। ओके, तो अगर बाइनरी अगर एसिड से कोई सॉल्ट आप बनाएंगे, यानी उसके एच को हटा के वहां पर कोई भी मेटल जोड़ देंगे, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ऑफ हाइड्रा एसिड। ओके बच्चों, अब देखिए अगर ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन भी हो, हाइड्रोजन शुरू में होना चाहिए, बीच में कोई भी नॉन मेटल होगा और लास्ट में ऑक्सीजन होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड, मतलब ऑक्सीजन वाला एसिड। ऑक्सी एसिड का मतलब एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ओके, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपने एसिटिक एसिड लिख दिया CH3COOH, ये भी ऑक्सी एसिड है, तो ऑक्सी एसिड मतलब ऑक्सीजन वाला एसिड। मेरी बात समझ गए होंगे, बहुत बार रिपीट हो गया। अब देखो इसका नाम कैसे रखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं जरा इसको रफ कर देता हूँ वीडियो को पॉज करके। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए सेकंड केस, इन द केस ऑफ ऑक्सी एसिड, इसमें बेटा भी दो केस होते हैं, केस फर्स्ट केस सेकेंड, इफ सफिक्स ऑफ एसिड इज अस, बहुत ध्यान समझना। जैसे अगर कोई एसिड ऐसा लो जिसका नाम अस से खत्म हो रहा है, इसका सफिक्स क्या है, अस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2SO3 ये लिखा हुआ है, इसका नाम बच्चों होता है सल्फ्यूरस एसिड, क्या नेम होता है, सल्फ्यूरस एसिड, इट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड। ओके, अब देखो इस एसिड से जो भी सॉल्ट बेटा आप बनाएंगे उसके लास्ट में नेम क्या आना चाहिए, आइट आना चाहिए, मतलब आना क्या चाहिए, आता ही है, यानी ऐसा एसिड लेंगे जिस एसिड के नाम में अगर अस आ रहा है, अस, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा सॉल्ट के नेम के लास्ट में क्या आएगा, आइट आएगा, ये मतलब इसका। अब आइए हम एक एग्जांपल समझते हैं, इससे बेटा एक सॉल्ट बनाइए, क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हटा दीजिए, क्या बनेगा, जैसे सुनो हमने हाइड्रोजन हटा के Na रख दिया, Na पे कौन सा चार्ज, प्लस, और SO3 पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अब आप बताइए इससे कौन सा सॉल्ट बना बच्चों, ध्यान समझना, जब इसको क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा Na2SO3। अब बताइए इसका नेम क्या होगा, लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, आइट, आइट वर्ड, यानी इसका नेम हो जाएगा सोडियम सल्फाइट, क्या वर्ड आएगा बच्चों, सल्फाइट, आई टी ई, सल्फाइट, आइट वर्ड आ रहा है। ओके, लेकिन अगर सेकेंड केस, ये तो केस हो गया ए का एग्जांपल, अब बी में क्या लिखा है, इफ सफिक्स ऑफ एसिड इज एक, अगर हम लोग कोई एक ऐसा एसिड ले लें जिसके नाम में यहां क्या आ रहा हो, एक आ रहा हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो समझते हैं कैसे, एक मिनट इसको रफ कर दें, चलो नीचे रफ कर देता हूं, एक एसिड जिसके लास्ट में एक वर्ड आता है, जैसे नाइट्रिक एसिड,
या सल्फ्यूरिक एसिड, चलो सल्फ्यूरिक ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक H2SO4, बताइए इसका नेम क्या बच्चों, इट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसके नेम में क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसके नेम के लास्ट में आ रहा है एक वर्ड, देखो ये एक एक एक, तो इसके सॉल्ट का नेम क्या होगा एट, तो इससे बेटा जो सॉल्ट बनेगा उसके लास्ट में क्या आएगा एट वर्ड आएगा। ओके अब इसका एक सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोजन को हटा करके वहां पिटक क्या रख दीजिए, कोई भी एक मेटल, ये दिख रहा है ना क्या लिखा है, मैं जरा साफ साफ लिख देता हूं, सल्फ्यूरिक, यानी कि ये देखो एक वर्ड आ रहा है। ओके अब आइए से हम लोग सॉल्ट बनाते हैं, एच को हटाइए, यहां पर कोई भी मेटल जोड़ दो, मान लो जोड़ दिया एन ए प्लस, SO4 पे क्या होता है -2, क्रॉस करिए क्या आएगा बच्चों Na2SO4, नेम क्या होगा बताइए, सोडियम सल्फेट, क्या वर्ड आएगा बच्चों एट आएगा ATE, एट वर्ड आएगा। तो आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी, कोई भी एक वाला लीजिए या एक वाला लेंगे तो एट आएगा और आस वाला कोई एसिड लेंगे तो आइट आएगा, तो इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, सब लोग ऐसे भी नाम याद रखता है, ये आइट लिखा हुआ है। तो कैसे नॉर्मन क्लेसर करते हैं इसका रूल होता है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, बाकी सारे बच्चे नेम तो देख के ही बता देते हैं सॉल्ट का, ये बहुत बड़ी बात है आप लोग में कि आप लोग बहुत नॉर्मन क्लेसर सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है NTSC एग्जामिनेशन में, इसलिए आप लोग इसको भी प्रिपेयर करें। ओके बच्चों आइए नेक्स्ट टॉपिक। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। तो बेटा सॉल्ट कई तरह के होते हैं, लेकिन जो मेनली होते हैं, मेनली जो इनका क्लासिफिकेशन बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स का, फर्स्ट सिंपल सॉल्ट, सेकेंड डबल सॉल्ट, थर्ड मिक्स सॉल्ट एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देखिए जो सिंपल सॉल्ट होता है इसे बच्चों को नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट का मतलब ये जिसके अंदर मतलब कि टू पार्ट्स आप समझिए, मैं इसके पे एक डीपली वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं डीपली बनाऊंगा, तो पार्ट थर्ड देखना आप लोग मत भूलिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट पार्ट 3, उसमें मैं आपको डीपली बताऊंगा, अभी मैं आपको केवल एग्जांपल बता देता हूं। बड़ा सिंपल सॉल्ट ये मैंने इस वीडियो बनाया हुआ है, एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक सॉल्ट किसे बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड, इसका पीएच 7 से कम होगा। सेकेंड बच्चों है बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड वीक हो और बेस स्ट्रांग हो, जैसे हो गया सोडियम एसिटेट, इसका पीएच बच्चों क्या होगा 7 से ज्यादा होता है। और एक होता बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट, कैसे बनेगा, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस से या वीक एसिड और वीक बेस से। देखो वीक एसिड वीक बेस को ना केमिस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, उसको माना नहीं जाता, इसलिए एक एग्जांपल याद रखें न्यूट्रल में स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस का ना टर्न न्यूट्रलाइजेशन में कुछ झोला मतलब दिक्कत है, ऐसे समझिए अपनी भाषा में, बाकी मैं आपको बाद में इस पर डीपली एक वीडियो बनाऊंगा क्यों ऐसा होता है। अब देखो बच्चों डबल सॉल्ट क्या होता है, इसमें दो सॉल्ट को मिला के बनाया जाता है, डबल का मतलब ही है कि टू सॉल्ट्स को आपस मिलाइए। और अच्छा एग्जांपल नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ एग्जांपल। देखो बच्चों जैसे आपने नाम सुना होगा फिटकरी का, पोटेशियम कैसे बनाते हैं, K2SO4, देखो ये एक सॉल्ट हो गया, अब प्लस इसी में एक सॉल्ट और ऐड करो, प्लस का मतलब होता है डॉट, अब इसमें एक सॉल्ट और ऐड करो Al2SO4 का होल थ्राइस, और बेटा ये जब इस दोनों सॉल्ट को मिलाया जाता है ना तो ये वाटर में मिक्स करके दो, इसको अलग सोलूशन बनाते हैं, इसको अलग सोलूशन, और दोनों सोलूशन क्या करते हैं मिक्स कर दिया जाता है। इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, डॉट
24 H, इसको तो हटाना पड़ेगा, H2O, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, डॉट 24 H2O, इट इज कॉल्ड एज पोटैश एलम, पोटैश एलम। पोटैश एलम को बच्चों हम लोग कॉमन लैंग्वेज में फिटकरी बोलते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज किया जाता है, या देखते हैं सेविंग करते समय अगर किसी कट उड़ जाता है तो ये यूज करते हैं। ओके बच्चों, तो क्या नाम है इसका, पोटैश एलम, पोटैश एलम। एलम का मतलब होता है फिटकरी। पोटैश का मतलब क्या हुआ बच्चों, पोटैश देखो स्टार्टिंग पोटेशियम आता है इसलिए पोटैश कहा जाता है। इस तरह बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, स्टार्टिंग में जो मेटल होगा उसी के बेस पर इसका नेम चेंज होता रहता है। ओके, तो डबल सॉल्ट आप लोग समझ गए, टू सॉल्ट को मिक्स करके बनाया जाता है। देखो तो थर्ड है मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या होता है, इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे ना तो दो तरह के प्लस या दो तरह के माइनस इसमें से क्रिएट होता है। जैसे अगर इसको आप ब्रेक करेंगे NaKOCO3, इसमें कौन कौन से आयन है बताइए, Na प्लस, और कौन सा चार्ज है K प्लस, और क्या बच्चों CO3 नेगेटिव। तो देखिए ऐसे सॉल्ट को मिक्स करते हैं जिसमें या तो 2 प्लस चार्ज जनरेट हो या 2 नेगेटिव चार्ज। प्लस चार्ज का मतलब बेसिक क्रिटिकल। तो मिक्स सॉल्ट आर दो सॉल्ट विच जनरेट और गिव्स 2 बेसिक रेडिकल और 2 एसिडिक रेडिकल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो इसमें क्या ब्रेक होगा, CA प्लस, और क्या ब्रेक हो रहा है, OCl, और बच्चों इसमें से एक Cl और जनरेट होगा। क्या क्या इसमें जनरेट होगा, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे इट इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। प्रेस समझ लो कि ये ब्लीचिंग पाउडर है। हाँ, तो ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे ब्रेक होता है, देखो बच्चों CA प्लस हो गया, देखो इसका OCl ये 1 नेगेटिव और एक Cl और बच रहा नेगेटिव। तो देखिए मिक्स सॉल्ट और दो सॉल्ट वी जनरेट 2 एसिडिक और बेसिक रेडिकल। देखो इसमें क्या हो रहा, 2 नेगेटिव है और इसमें बच्चों क्या है, 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब बेसिक रेडिकल और नेगेटिव का मतलब एसिडिक रेडिकल। हमारी बात समझ गए होंगे। इसमें देखो बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट उसे बोलते हैं जिसमें एक तो होता है सिंपल आयन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। देख कॉम्प्लेक्स को इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि अक्सर ब्रेकेट लगा होता है। तो जिस सॉल्ट में ब्रेकेट लगा होता है आप तुरंत समझ जाइएगा वो कैसा सॉल्ट है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ओके, इसका एक एग्जाम्पल आप और लिख सकते हैं, जैसे बच्चों सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ओके सही है ना, सही है। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो कौन कौन सा आयन बनेगा, Na प्लस ZnO2 2 नेगेटिव, सही है 2 4 4, हाँ सही है। तो देखो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक सिंपल। तो ऐसे सॉल्ट जिसको डिजॉल्व करने पर एक तो सिंपल आयन बने और एक बच्चों कॉम्प्लेक्स मतलब भारी भरकम टाइप का बने, जैसे देखो ZnO2 बना ना उसे बोलते हैं जिंकेट आयन, जिसको बोला जाता है जिंकेट आयन। ओके, तो एक भारी भरकम आयन बने यानी कॉम्प्लेक्स और एक बने बच्चों सिंपल, सिंपल का मतलब अकेला। उसी तरह जब ये ब्रेक होगा तो इसमें से एक तो के बनेगा और एक इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आई होप बच्चों आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी, और मैं जितने ये क्लासिफिकेशन है ना इस पर बहुत डीपली वीडियो बनाऊंगा, पार्ट थर्ड देखना आप लोग मत भूलिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे बेटा कम से कम इसमें 40 मिनट्स और चाहिए, और 40 मिनट्स का मतलब आप समझ रहे हैं ये वीडियो पहुंच जाएगी नियर अबाउट 1 and 20 मिनट्स की, 1 घंटे 20 मिनट, 1.5 घंटे हो जाएगा, फिर वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा लेक्चर में। ओके, तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर बेटा अच्छे समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं आप, और समझ में तो आया ही होगा। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, फिर मिलते हैं आप लोग से पार्ट 3 में। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट पार्ट 3। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।